डैम से 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा। झांसी में बबीना के ललितपुर जिले के तालबेहट में बने माता टीला डैम से लगभग 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के कारण झांसी जिले के बबीना क्षेत्र के पास बने सुकमा दुकमा डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसी को जानने के लिए झांसी के जिला अधिकारी शिव सहाय अवस्थी एवं SSP OP सिंह अपने टीम के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में हो रहे तेज बारिश के चलते आसपास के डैम लबालब भर गए और कई जगह बाढ़ की स्थिति भी बन गई है। इसी कारण झांसी क्षेत्र में बेतवा नदी से लगे गांवों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर जाकर स्थिति संभाल रहे हैं। साथ में बबीना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह और उनकी टीम भी शामिल है। यह रिपोर्ट हमारे बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे की है। पिछले कुछ दिनों से बेतवा की जो कैचमेंट है उसमें काफ़ी बारिश हुई है और उसी का नतीजा है कि अभी बेतवा में काफ़ी पानी का फ्लो हो रहा है। जो इस पे डैम स्थित हैं उसमें मुख्यतः जो राजघाट और माता टीला डैम है वो पूरी तरह से भर चुके हैं। माता टीला से इस समय 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और उसका नतीजा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सुकवा डुकवा में जो डैम है ये ओवरफ्लो कर रहा है। ज़िला प्रशासन की तरफ से हम और कप्तान साहब अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ पर आए हुए हैं और ख़ास तौर से ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ ये देखा गया है कि जब डैम ओवरफ्लो करता है तो लोग सेल्फी वगैरह खींचने के चक्कर में दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जहाँ तक बाढ़ का प्रश्न है, अभी हमारे 25 से 30 गांव जो बेतवा की तलहटी में हैं वहाँ पे लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। अभी गांव में पानी जाने की कोई शिकायत नहीं आई है। एक दो गांव जो डिस्कनेक्ट हुए हैं रपटा वगैरह के ऊपर पानी बहने से, वहाँ पर हम लोग वैकल्पिक प्रबंध करा रहे हैं। कुल मिला के स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कोई आगे समस्या ना आए इसके लिए हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जो भी वैकल्पिक प्रबंध है उनको किया जा रहा है। MNS न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।